Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and welcome again to the online classes of Rise and Shine School. This is class 4, subject English Literature, and I am your teacher Ms. Rimsha, and today we are going to conduct a lecture number 1 of week 8. So today we are starting a new chapter which is the story Spirits. ठीक है, story का मतलब होता है कहानी और spirits का मतलब होता है रूह या नफ्स. ठीक है, अब ये स्टोरी बेसिकली एक फेरी टेल स्टोरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है इतनी. ठीक है, जैसे वो बेड टाइम स्टोरीज होती हैं, जैसे बच्चों को सुनाई जाती हैं, ये उस तरह की एक कहानी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. ठीक है, तो इस स्टोरी में बेसिकली होता ये है कि एक मर्चेंट होता है, मतलब एक सौदागर होता है, जो सौदागर मतलब एक जगह से सामान दूसरी जगह, दूसरे कंट्रीज़ में लेके जाना, आना जाना, उस काम को हम लोग उस आदमी को या उस बंदे को हम लोग क्या कहते हैं, मर्चेंट. ठीक है, या ट्रेडर. उसका एक बेटा होता है. ठीक है, अब उसका जो बेटा होता है उसको जो है इस तरह की कहानियाँ सुनना, बेड टाइम स्टोरीज या फेरी टेल स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, उसको ये कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं. अब जो वो सौदागर होता है वो जो है बहुत बिजी रहता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता कि वो अपने बेटे को ये कहानियाँ सुना सके. तो वो उसके जो नौकर होते हैं वो अपने नौकरों को बोलते हैं कि रोज़ मतलब जब ये रात को सोएगा तो उससे पहले इसको कहानी सुनाते हैं उसके नौकर. ठीक है, तो क्या होता है कि अच्छा उसके पास एक लड़के के पास उसका जो दरवाज़ा होता है उसके रूम का, उसके पास एक लेदर बैग होता है. ठीक है, अब लेदर बैग जो है वो हम एक कोई आम मामूली सा बैग नहीं होता, वो उस बैग को हम लोग क्या कहते हैं, बैग ऑफ स्टोरीज. ठीक है, जिसमें कहानियाँ बंद होती हैं. ठीक है, जिसमें बेसिकली कहानियाँ नहीं, कहानियों से जो रूह निकलती है वो उस बैग में बंद होती है. अब उस बैग का सीन ये होता है कि मतलब अगर जैसे भी कोई स्टोरीज को सुनाएगा क्या नाम है इस लड़के को, तो वो उस बैग में जाके उसकी रूह जमा होती जाएगी. ठीक है, तो अब उस बैग से रूह निकलेगी कैसे, जब वो लड़का जो है किसी आगे किसी बंदे को या किसी और बच्चे को वो स्टोरीज सुनाएगा तो उस बैग से वो रूह परवाज हो जाएगी. ठीक है, लेकिन लड़का जो है वो बहुत कंजूस होता है इस मामले में, उसको स्टोरी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन स्टोरी किसी और को सुनाना अच्छा नहीं लगता. तो वो क्या करता है कि वो मतलब जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो सुनता रहता है, वो आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करता. ठीक है, तो उस बैग वो बहुत बैग इतना ज़्यादा भर जाता है, इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर इतनी सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं कि वो गुस्सा हो जाते हैं कि हमें ये जो लड़का है ये हमें फरार क्यों नहीं कर रहा, ये हमें आज़ादी क्यों नहीं दे रहा. ठीक है, तो अब वो जो बच्चा था वो बड़ा होके वो काफ़ी मतलब जवान हो जाता है और उसकी शादी का वक्त आ जाता है. ठीक है, अब वो जब शादी का वक्त आता है तो वो जो उस बैग के अंदर स्पिरिट्स होती हैं वो जो है उसके लिए बहुत मतलब प्लान्स कर रही होती हैं कि हम लोग इस तरह जो है कि किस तरह इससे अपनी जान छुड़ाएं. अब वो क्या प्लान करती हैं और उसके बाद क्या होता है, ये सब कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप लोग सब अपनी बुक्स खोलिएगा और साथ में पढ़िएगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, तो आज लोग इसका चैप्टर शुरू से स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 129 पे आप लोगों को इस चैप्टर का फर्स्ट पेज मिलेगा. मैं रीडिंग करवा रही हूँ, आप लोग अपनी बुक भी निकाल लें साथ साथ और आप लोग भी रीड करें. ठीक है, सो मैनी ईयर्स अगो देयर वॉज अ रिच मर्चेंट इन कोरिया. कोरिया में बहुत साल पहले एक रिच मर्चेंट, बहुत अमीर जो है मर्चेंट रहता था. मर्चेंट मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेडर को बोलते हैं, मतलब जो एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जाता है, दूसरे कंट्रीज में लेके जाता है, और अ लार्ज स्केल उसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्चेंट. ही हैड अ सन हु वॉज फॉन्ड ऑफ फेरी स्टोरीज. फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन. तो उसका एक बेटा था, वो किस चीज़ का शौकीन था, फेरी स्टोरीज सुनने का. ठीक है, वो जो परियों की कहानी होती उसको सुनना बहुत पसंद था. द मर्चेंट वॉज अ बिजी मैन. मर्चेंट जो है एक बहुत मसरूफ़ आदमी था. ही डिड नॉट हैव द टाइम टू रीड स्टोरीज टू द बॉय. उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जो स्टोरीज है वो उस लड़के को सुनाए. सो ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट्स टू डू सो. तो सो इसने अपने जो सर्वेंट्स जो नौकर थे उनको हदायत की कि वो जो है ये काम करें. एवरी इवनिंग अ सर्वेंट वुड सिट बाय हिज बेड एंड टेल हिम एन एक्साइटिंग स्टोरी. हर शाम को कोई ना कोई जो एक सर्वेंट था वो उसके बेड के पास बैठता था और वो उसको मज़े मज़े की स्टोरीज सुनाता था.
एक्साइटिंग मतलब बहुत अच्छी या बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। सम ऑफ द सर्वेंट्स कुड नॉट रीड सो दे टोल्ड हिम वंस डैट दे हैड हर्ड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। कुछ जो जो नौकर थे उनको पढ़ना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, वो अपने जो बचपन में उन्होंने कहानियाँ सुनी होती थी वो जो है उस लड़के को सुनाते थे। द स्टोरीज वर अबाउट फियर्स फियरी ड्रैगन्स, फियरफुल एनिमल्स, गुड एंड विकेड फेरीज एंड डैम्सल्स इन डिस्ट्रेस बींग रेस्क्यूड बाई हीरोज, ठीक है। तो वो उस स्टोरीज किसके बारे में होती थी, बहुत ही निडर जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, अच्छी और बुरी चुड़ैलों के बारे में होती थी। डैम्सल्स मतलब जवान लड़कियों के, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनको बोलते हैं, उनको किस तरह हीरोज मतलब उनको किस तरह रेस्क्यू किया जाता है उसके बारे में होती थी। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे कोई लड़की है उसको आके शहजादा या प्रिंस जो है वो आके छुड़ाता है किसी चीज़ से, किसी के चुंगल से, उस तरह की स्टोरीज उसको सुनाई जाती थी, ठीक है। और फियरी ड्रैगन्स का मतलब होता है जिन वो ड्रैगन्स जिनके मुंह से आग निकल रही होती है, ड्रैगन्स आग निकालते हैं ना, तो उस तरह की स्टोरीज जो है उसको सुनाते थे, ठीक है। नाउ इन द बॉयज़ रूम हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रास हुक बाय द डोर देर वॉज एन ओल्ड लेदर बैग। ब्रास का मतलब होता है पीतल। अब उस लड़के के जो रूम था उसमें एक ब्रास के हुक से जो डोर था उसके ऊपर ब्रास का हुक लगा हुआ था, एक पीतल का हुक लगा हुआ था जिसके ऊपर क्या लटक रहा था, जिससे क्या लटक रहा था, ओल्ड लेदर बैग, ठीक है, पुराना लेदर का एक बैग लटक रहा था, ठीक है। आज हम लोगों ने इसके फर्स्ट पेज की रीडिंग की है, कल हम इसके सेकेंड पेज की रीडिंग करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। नाउ होमवर्क, होमवर्क में आपने क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, द स्टोरी स्प्रेड्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसके कंटेंट्स लिखने हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सो वर्ड्स मीनिंग हमारे पास 7 है, क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास 5 है, वर्ड सेंटेंसेस हमारे पास 6 है एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमारे पास 2 है। आप लोगों ने ये काम इसी तरह जैसे आप टाइटल पेज बनाएंगे उसके बाद आप लोग ये काम करेंगे, ठीक है। होमवर्क में भी यही, रीड पेज नंबर 129 ऑफ चैप्टर द स्टोरी स्प्रिट्स एंड मेक अ टाइटल एंड इंडेक्स पेज ऑफ द सेम चैप्टर, और आपने इसी चैप्टर का टाइटल और इंडेक्स पेज बनाना है, ओके। अपना ख्याल रखिएगा और ये काम कंप्लीट करके आप लोग इसकी पिक्चर्स कोलोजी पे सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।